भाई साहब सैटरडे संडे धमाकेदार परफॉर्मेंस देने के बाद कल ट्यूसडे एंड परसों मंडे में भी जबरदस्त रुझान रहा है किसका, फाइटर मूवी का। भाई साहब ऋतिक रोशन की फाइटर ने अभी दम नहीं तोड़ा है, अभी भी दम है, लेकिन ठीक है मूवी उतनी ज्यादा हिट नहीं कर रही है जिस हिसाब से हमने इसका एक्सपेक्टेशन रखा था। एवरेजली ग्रो कर रही है क्योंकि सैटरडे संडे में उम्मीद जताई जा रही थी कि मूवी की ग्रोथ पूरी पिट जाने वाली है और उसके बाद जो वर्किंग डेज स्टार्ट होंगे फिर इसमें तो कहानी पूरी खत्म ही खत्म हो जाएगी, लेकिन नहीं भाई सैटरडे संडे में जबरदस्त उछाल मारा था जो डबल डिजिट में अराउंड 14-15 करोड़ के आसपास सिंगल डे में कलेक्शन करते दिखी थी सैटरडे, देन उसके बाद संडे में भी, लेकिन मंडे देन कल ट्यूसडे में भी अच्छा ग्रोथ देखने को मिल रहा है। वर्किंग डे चल रहे हैं बावजूद इसके और साथ में बहुत सी मूवीज लाइन पर लगी हुई हैं, क्लासेस चल रहे हैं बावजूद इसके, भाई फाइटर फिर भी अच्छा कलेक्शन अपने खाते में लाते नजर आ रही है। वही बात की भाई साहब ऐसा होता है कि समटाइम किसी न किसी मूवी से बहुत ज्यादा हाइप रहती है या बहुत ज्यादा होप रहती है कि यार चलो ठीक है ये मूवी आएगी और फाड़ के जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। वही चीज अगर हम सैम बहादुर कंपैरिजन बेस पे बोले तो सैम बहादुर से भी वही उम्मीद थी, उसके बाद क्या कहते हैं ओएमजी 2 से भी वही उम्मीद थी, लेकिन दोनों किसी ना किसी कारण से कोई क्लैश क्लैश के कारण से पिटते नजर आई थी। तो अभी बात करते हैं भाई फाइटर ने क्या हासिल कर लिया है, अभी तक कितना कलेक्शन इसके खाते में आ चुका है और भी क्या कलेक्शन ये मूवी कर सकती है और क्या ये मूवी अभी भी हिट है या फ्लॉप है वो भी सब डिटेल टू डिटेल चेकआउट करेंगे, लेकिन उससे पहले क्या करना है वीडियो को एक लाइक, नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो कल डे 13 की बात करें तो भाई कल नेट इंडिया से ये मूवी सिंगल डे में ओवरऑल कलेक्शन करते नजर आ रही, उससे पहले ओवरऑल ऑक्यूपेंसी बताऊं तो लगभग 10-12% की ऑक्यूपेंसी रही है थिएटर हाउस में, जहां पर शोज अभी भी कम नहीं हुए हैं, शोज अच्छे खासे चल रहे हैं इसके खाते में अभी भी। तो कल नेट इंडिया से एंड ऑफ द डे तक अर्ली एस्टिमेट है 3 करोड़ 35 लाख एंड ग्रॉस इंडियन कलेक्शन 5 करोड़ के आसपास। तो ऐसे में पहले 13 दिन में नेट इंडिया से टोटल कलेक्शन इस मूवी का हो जाता है 181 करोड़ 60 लाख एंड ग्रॉस इंडियन कलेक्शन 220 करोड़ के आसपास ये मूवी अपने खाते में रख लेती है। पूरी दुनिया से 307 करोड़ का मार्वलस एंड ह्यूज आंकड़ा ये कल एंड ऑफ द डे तक अपने खाते में रखते नजर आ रही है। सेम आज भी देखने को मिल रहा है, आज वेडनेसडे वर्किंग डे है, आज भी लगभग में लगभग 3 करोड़ के आसपास कमाई देखने को मिल रही है और वर्ल्ड वाइड कलेक्शन आज एंड ऑफ द डे तक इस मूवी का लगभग में लगभग हो जाएगा 312 या 313 करोड़ के आसपास। तो ऐसा ये लाइफ टाइम कलेक्शन कितना कर सकती है भाई, इजली 350 करोड़ तो आराम से आ सकता है, जो 250 करोड़ इसका मूवी का बजट है तो देखा जाए तो मूवी एवरेजली हिट है, बहुत ज्यादा ब्लॉकबस्टर तो नहीं कहेंगे क्योंकि ऋतिक रोशन की मूवीज के लिए वेट रहता है और ग्रीक गॉड ऋतिक रोशन का कौन फैन नहीं है भाई, लड़कियां तो हैं ही हैं भाई, लौंडे लोग भी फैन होते हैं, यस मैं खुद फैन हूँ क्योंकि बंदा दमदार एक्टिंग करता है, बॉडी लैंग्वेज सब कुछ ऑसम रहती है और जब भी कोई कहानी या कॉन्टेंट लेके आता है बंदा दमदार स्क्रिप्टिंग चुन के ही लेकर आता है। बात अगर कंपैरिजन बेस की करें तो मतलब इस जैसे और भी कौन सी मूवीज के हाल हम ऐसे देख चुके हैं भाई, सैम बहादुर के हम ऐसे हाल देख चुके हैं जब इस मूवी को एनिमल के साथ क्लैश कर दिया गया था, मूवी का पोटेंशियल जबरदस्त था, 500 करोड़ इजीली ठोक के जा सकती थी लेकिन एनिमल के साथ क्लैश हो गया। तो इंडिया नेट कलेक्शन टोटल सैम बहादुर का रहा है 94 करोड़ और इंडिया ग्रॉस कलेक्शन 111 करोड़ के आसपास और वर्ल्ड वाइड 130 करोड़ के आसपास, जो देखा जाए तो एवरेजली हिट है क्योंकि जबरदस्त कलेक्शन नहीं है इसमें। एंड ओएमजी 2 की बात करें तो भाई गदर 2 के साथ क्लैश हो गया था, जहां पर नेट इंडिया से टोटल कलेक्शन उस मूवी को लाइफ टाइम झेलना पड़ा था 151 करोड़ के आसपास और पूरी दुनिया से 221 करोड़ के आसपास, जो वो मूवी भी एवरेजली हिट थी, जो बिल्कुल भी था पोटेंशियल रखती है 500 करोड़ अबव जाने की, लाइक फाइटर जैसा सिनेरियो उस टाइम पर भी हमें देखने को मिला था। तो भाई फाइटर के साथ तो कोई क्लैश नहीं है फिर भी ये मूवी इतना हिट क्यों नहीं हो रही है, खैर इस पर डिटेलिंग वीडियो मैंने पहले ही बना रखी है, आप चेकआउट कर लेना क्यों आखिर हिट नहीं हो रही है, 3-4 कारण हैं। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, आपको क्या लगता है 350 करोड़ कर लेगी या नहीं कर लेगी कंपनी, जय हिंद।